आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के एक नए मॉड्यूल का नाम सामने आया है। एनआईए ने इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जिसे अबू फैजा अल पाकिस्तानी के नाम से ऑनलाइन कंट्रोल किया जा रहा था। इसे अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संचालित किया जा रहा था जिसके निशाने पर कई भारतीय युवा थे। इस हैंडलर का नाम सुरक्षा एजेंसियों की जांच में कई बार सामने आ चुका है जो दुनिया भर के युवाओं को आईएस में शामिल करने के लिए बरगलाता था। उत्तर प्रदेश के घोसी से बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर ने कहा कि उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखकर राम को पीएम आवास योजना के तहत मकान मुहैया करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तंबू में विराजमान राम के ऊपर छत नहीं है, ठंड और बरसात में वो बिना छत के कैसे रहेंगे, इसलिए उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखकर राम को मकान देने की मांग की है। हमारे साथ हैं बीजेपी के घोसी से सांसद हरि नारायण राजभर जी। राजभर जी, आपने डीएम को, अयोध्या के डीएम को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत रामलला को मकान दिया जाए। जी जी जी, ऐसी परिस्थिति बन गई है कि उनको छत चाहिए क्योंकि उसी जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उनका, और आज वो त्रिपाल और कपड़े के मंदिर में हैं और धूप है, बारिश है, यानी गर्मी है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के नाते छत आवश्यक हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि अभी तो उनका मंदिर कानूनी पिछड़े में है मगर वो कैसे रहेंगे, इसलिए वहीं उनका जन्म हुआ है सदियों बरस पहले। अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो भारत के नागरिक नहीं थे, तो उनको भी भारत सरकार हर एक को छत दे रही है पूरे देश के गरीबों को। तो मैं अयोध्या के डीएम को लिखा है कि उनको भी प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत उनको भी छत मुहैया कराएं। लेकिन पीएम आवास योजना के तहत तो गरीबों को घर मिलता है ना, जो सृष्टि के रखवाले हैं उन्हें गरीबों की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? उनको सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी बदतर स्थिति में ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस बदतर स्थिति में ला दिया, इसलिए अब उनको छत की आवश्यकता हो गई। लेकिन जो पीएम आवास योजना है उसके तहत घर देने के लिए तो आधार चाहिए, अब प्रभु श्री राम को वेरीफाई कैसे किया जाएगा कि उनका आधार कार्ड है? कैसे कहा जा सकता है कि वो इस देश का नागरिक नहीं है? ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि अयोध्या में उनकी जन्मभूमि नहीं है? लेकिन नियम का काम तो नियमों से होगा ना, वो कैसे हो सकता है? नियम कानून वो सरकार जाने, मेरा मानना है कि उनको आवास की आवश्यकता है, आवास मिलना चाहिए। हरि नारायण जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका अपनी सरकार पे विश्वास कम हुआ है जो आप डीएम से पीएम आवास योजना के तहत? ऐसा नहीं, सरकार से हमें क्या है विश्वास, इस देश के न्यायपालिका से विश्वास। ऐसा करोगे क्या इनको छोड़ के जो इस मैटर को लिंगर करते हुए सैकड़ों बरस के मुकदमे को अब तक फैसला नहीं? आपको उम्मीद है कि डीएम आपकी इस बात को, इस चिट्ठी पर गंभीरता से फैसला लेंगे, कदम उठाएंगे? मेरा कहना, मेरा लेटर देना, मेरा मांग करना हमारा कर्तव्य है, क्या करेंगे उनकी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।